बातें जो है वो नेक इंसान को कोई परेशान नहीं करती, बातें होती। अगर आपने नहीं किया, हमने देखा है ऐसा, तो इससे आप इस्तेमाल करो। और बात जो है ना, ये आमतौर पर बद को ही परेशान करने वाली चीज़ है, नेक इंसान को परेशान नहीं करती, नेक इंसान कोई परेशान नहीं करता। नेक इंसान की तारीफ भी है तो वो अलग के मान में होता है। नेक इंसान जो है बदी में भी इस्तेमाल करता है, डरता रहता है। नेकी बात ही होती है, नेकी बदी के अंदर से भी शुरू हो जाती है, यानी कि बदी के अंदर मुलव्वस है नेक इंसान और अल्लाह से डर रहा है, चोरी कर रहा है फिर अल्लाह से डर रहा है, या अल्लाह माफी दे दे रहा, मजबूरी है। नेकी जो है ना दिल का अल्लाह के सामने खौफ ज़दा रहना, नेकी से कहते हैं। और बदी क्या है, अल्लाह के सामने अपने आप को बेखौफ करना, मगरूर करना। मजबूरी जो है ये बदी है और आज भी जो है नेकी है। मैं इतनी बात याद रखो, गुनाह सुना की बात नहीं हो रही, जो आजिज है वो नेक है और जो मगरूर है वो बद है। मगरूर कौन है? बद है। और जो आजिज है वो नेक है, जो दूसरे को बुरा समझता है वो बंद है, और जो हर एक के अंदर नेकी का गुमान रखता है वो नेक है, और जो अल्लाह के बारे समझता है अल्लाह सब तो माफ कर देगा वो नेक है, और जो ईशा समझता है अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा वो बुरा इंसान है। इसलिए बुरा इंसान पहचानना बड़ा आसान है कि जो इंसानों को बुरा कहे वो बुरा इंसान। सच को दो तीन चार पांच वक्त में नहीं बोला जाता, बोलना चाहे इंसान तब भी नहीं बोल सकता, यानी कि चार दुनिया है वहां पर। एक तो जान बचाने के लिए सच न बोलो भी शक, अगर सच बोलने से जान जाती है तो आपको सच रोक लो। हुक्म की बात करो, एक्सेप्शन की। एक मुसलमानों की ग्रोह में अगर सुलह हो रही है लड़ाई की बजाय तो वहां थोड़ा सा झूठ की इजाजत है। ऐसे दो मकाम आज तो आप याद रख लो ना, बाकी के मकाम फिर के बताओ। क्या है? जान बचाने के लिए और मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए ग्रोह के दरमियान। बाकी एक बेजर सा झूठ की इजाजत है, बेजर झूठ वो है, वो शख्स जो आपके साथ ज़िंदगी के अजाब में मुबतला है, थोड़ी सी उसकी तारीफ ही कर, चाहे झूठी ही हो, इतनी ज़्यादा कि ज़िंदगी किस रंग में तुम्हारे साथ है थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दो। तो ये चाहे सच्ची भी हो चाहे झूठी हो, ये चाहे उसकी थकावट कम हो जाएगी, कंपनसेट तो नहीं कर सकते हो, उसका कम होगा आप भी अदा नहीं कर सकते हो, चलो उसको इंकरेजमेंट मिल जाएगी। ये हुक्म है, ऐसे कर नहीं करो, या इतना सच ना बोलो क्या आप लोगों को परेशान ही करने लग जाओ। ये सच नहीं बोलने की इजाज़त, किसी शख्स का गुनाह तुम्हारे निगाह के सामने आ जाए और तुम पर मिला करने लग जाओ कि तू गुनाह गार है, ये सच बोलने की इजाज़त नहीं है। इरफान में भी नहीं है, आरोप पर जब गुनाह और सवाब की दुनिया आश्कार होती है तो वो अपने माँ बाप अजीजों करबार रिश्तेदारों में शायद किसी ने गुनाह देखता हो, बोलने का इजाजत दमन बंद है। आप आते में तो सच बोलने की इजाजत नहीं है, झूठ की मैंने वहाँ इजाजत बता नहीं, सच बोलने की इजाजत है कि किसी आदमी का अल्लाह सत्तारूम की मौजूदगी में तुम उसका पर्दा चाहते हो, सच की इजाजत नहीं है। जिस शख्स को अल्लाह ताला माफ करने वाला हो तो कहीं उसको बदनाम न करना, ऐसी सदाकत मत बोलना क्योंकि तो ये अजाब है तुम्हारे लिए। मैंने लफ्ज़ अजाब का कहा, मैंने सोचने कहा, जो शख्स अल्लाह के यहाँ मकबूल है यानी कि होने वाला मकबूल है, यानी कि 10 साल बाद उसकी माफी हो जानी है, उसके खिलाफ भी तुम्हारी दबाव से कोई लफ्ज़ खिलाफ न निकले क्योंकि ये भी एक मुखालिफ बात हो जाएगी। मैं आतिश लर्जा हूँ, मैं शम्मे परोजा हूँ, मैं आतिश लर्जा हूँ।